नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। इंदौर में कनाडिया रोड पर एक दिन की शिव चर्चा के लिए आए कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने सोमवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सनातन धर्म की डेंगू मलेरिया से तुलना करने वालों पर कहा कि जो लोग सनातन धर्म को कोरोना या किसी न किसी रूप में डेंगू या मलेरिया कह रहे हैं, तो पहले उनसे उनके पिताजी का, उनके माताजी का, उनके दादा परदादा का नाम पूछा जाए, वो पूर्व में क्या रहे हैं ये पूछा जाए। वो भी सनातनी ही हैं। जितने भी धर्म निकले हैं सब सनातन धर्म से ही निकले हैं। अगर वो सनातन को कोरोना कह रहे हैं तो वो भी कोरोना की ही औलाद है। ये तो उन पर निर्भर करता है कि वे अपने पूर्वजों को किस ओर लेके जाएंगे। सनातन सभी का धर्म का मूल है, सभी का पिता है। वो सनातन धर्म की छत्र छाया में हम सब बैठे हैं। जीवन में जब दुख की घड़ी आती है, कोई संकट आता है, तब तब सनातन धर्म हमारे साथ खड़ा होता है। इंडिया बनाम भारत वर्तमान राजनीति और राजनीति में संत समाज की हिस्सेदारी पर बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने ये बात कथा के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कही। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।